ससुराल में दामाद ने बांटी मौत। मैं देखिए, मैं जस्टिस चाहता हूँ। मेरी वाइफ की डेथ हुई है, मेरी बेटी गई है, मैं घर में बिल्कुल अकेला एक इंसान हूँ। धीमे जहर से ससुराल खत्म। थैलियम में एक हेवी मेटल ग्रुप में आता है और ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो बॉडी में हर जगह सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, ये पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है उसके चैनल से। अंधविश्वास से हारा, ससुराल वालों को मारा। जो वरुण अरोड़ा है, ये नहीं चाहते थे कि बच्चा अबॉर्ट किया जाए, क्योंकि उनके फादर की अभी रिसेंटली डेथ हुई थी और उनका ये मानना था कि उनके फादर वापस आ गए हैं। ससुराल के साथ सद्दाम वाली साजिश। सद्दाम हुसैन को करता था, इसके कहीं कोई लैपटॉप पकड़ा गया उसमें कुछ। दामाद की मौत वाली दावत। अंधविश्वास की वजह से पैदा हुई नाराजगी एक भरे पूरे परिवार को कैसे तबाह कर सकती है? कैसे एक खुशहाल जिंदगी जी रहा हाई प्रोफाइल परिवार एक हाई प्रोफाइल साजिश का शिकार हो जाता है? देश की राजधानी दिल्ली में हुई एक वारदात के बाद पूरा देश ये सोचने को मजबूर है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक दामाद ने अपने ससुराल वालों को मछली में मिलाकर थोरियम नाम का धीमा जहर देना शुरू किया, जिससे उनकी सास और साली की तड़प तड़प कर मौत हो गई। पत्नी 26 दिनों से कोमा में पड़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में रहने वाले इस दामाद ने इस साजिश की प्रेरणा इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से ली है और इस वारदात की वजह जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। पुनर्जन्म का अंधविश्वास इस साजिश की वजह बना। फिलहाल आरोपी दामाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन बड़ा सवाल बाकी है। धीमे जहर की वजह से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही वरुण की पत्नी दिव्या शर्मा की जान कैसे बचेगी? पहले शादी फिर बच्चे, तस्वीरों में एक खुशहाल परिवार नजर आ रहा है, लेकिन अचानक सामने आई पूरे ससुराल को एक साथ खत्म करने की साजिश। देश की राजधानी दिल्ली की हाई प्रोफाइल फैमिली के दामाद ने अपने ससुराल वालों के मर्डर की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जो आज से पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं सुनी गई। और यह है ससुराल वालों को धीमा जहर देकर मारने का आरोपी, यानी इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड वरुण अरोड़ा। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से प्रेरणा लेकर अपने ससुराल को धीमे जहर से खत्म करने की साजिश के पीछे सबसे बड़ी वजह अंधविश्वास है। हम आपको इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी वजह बताएंगे, लेकिन पहले देखिए वरुण अरोड़ा ने पत्नी समेत ससुराल वालों पर कैसे अपना गुस्सा उतारा। धीमे जहर वाले इस दामाद की वजह से उसकी पत्नी दिव्या शर्मा 26 दिन से कोमा में है। दिव्या की छोटी बहन प्रियंका की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सास अनीता शर्मा कई दिन तड़पने के बाद दम तोड़ चुकी है। और वरुण के ससुराल में जो जिंदा बचे हैं वो हैं उसके ससुर देवेंद्र शर्मा। इनके शरीर में भी धीमा जहर है, जिसकी वजह से इनके बाल झड़ रहे हैं और जिंदगी पर मौत का खतरा बना हुआ है। मेरी वाइफ की डेथ हुई है, मेरी बेटी गई है, मैं घर में बिल्कुल अकेला एक इंसान हूँ। कोई मेरे इस घर में कोई इंसान नहीं है, अब मैं अकेला हूँ। और वो मेरी बेटी, वो जो बच्चों की इतनी रिस्क में है, मैं अब बता नहीं सकता। अब सुनिए दिल्ली के पौश इलाके ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा ने पत्नी समेत पूरे ससुराल वालों को कैसे मारने की कोशिश की। इसके लिए वरुण अरोड़ा ने 31 जनवरी को सभी ससुराल वालों को धीमा जहर दिया। ये धीमा जहर उसने मछली में मिलाकर दिया। थैलियम नाम का ये धीमा जहर मछली के जरिए ससुराल वालों के शरीर में गया और सभी की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। सभी के तेजी से बाल झड़ने लगे, शरीर सुन्न पड़ने लगा, दिमाग सोचने समझने की शक्ति गंवाने लगा, उसका चलना मुश्किल हो गया। तो एक ही दिन में और सेकंड डे में जब हमने टेस्टिंग के लिए शाम तक वेट की कि भाई उस रिजल्ट देख ले, तो उसमें
उस तब तक उसके पैरों में, उसने कहा मेरे पैरों में नमनेस आ रही है, मेरे हाथों में नमनेस आ रही है, मेरी जान जा रही है, मेरे पैर जा रहे हैं। वरुण के ऊपर पूरे ससुराल को खत्म करने का जुनून इस कदर सवार था कि उसने सास ससुर और पत्नी को मछली खिलाने के बाद अपनी साली का काफी देर तक इंतजार किया और अपनी आंखों के सामने उसे धीमे जहर वाली मछली खिलाकर ही घर से बाहर निकला। थैलियम नाम के धीमे जहर की वजह से वरुण की पत्नी दिव्या कोमा में चली गई। धीमे जहर वाला खाना खाने की वजह से 15 दिन बाद दिव्या की छोटी बहन प्रियंका की मौत हो गई और 21 मार्च को वरुण की सास अनीता शर्मा ने भी दम तोड़ दिया। अब ये भी जानिए कि वरुण ने पत्नी समेत सभी ससुराल वालों को धीमे जहर से मारने की साजिश क्यों रची। इसके पीछे वरुण और उसके परिवार के अंधविश्वास की कहानी है। वरुण और दिव्या के आईवीएफ तकनीक से 2 बच्चे हुए थे, जिसके बाद प्राकृतिक ढंग से दिव्या गर्भवती हो गई, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा अगर वो बच्चों को जन्म देगी तो उसकी जान को गंभीर खतरा है। लेकिन वरुण का परिवार ये बच्चा चाहता था क्योंकि उसे अंधविश्वास था कि बच्चे के जरिए वरुण के पिता का पुनर्जन्म होने वाला है। लेकिन तीसरे बच्चे को जन्म देने से जान का खतरा देखते हुए दिव्या ने अबॉर्शन करा लिया। इसी से नाराज होकर वरुण ने ससुराल के सभी लोगों की हत्या करने का फैसला कर लिया। वरुण अरोड़ा है, ये नहीं चाहते थे कि बच्चा अबॉर्ट किया जाए क्योंकि उनके फादर की अभी रिसेंटली डेथ हुई थी और उनका ये मानना था कि उनके फादर वापस आ गए हैं, तो इस वजह से भी वो अपने ससुराल वालों से और अपनी वाइफ से बहुत नाराज चल रहे थे। अब ये भी जानिए कि वरुण को ससुराल वालों को धीमा जहर देकर मारने का आइडिया कैसे आया। तो धीमे जहर की साजिश में इराक का पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन उसकी प्रेरणा बना। वरुण ने गूगल में सर्च किया हाउ टू किल पर्सन विद स्लो पॉइजन। इसके बाद वरुण को थैलियम नाम के धीमे जहर का पता लगा। सद्दाम हुसैन भी अपने विरोधियों को मारने के लिए थैलियम का उपयोग करता था। वरुण ने पुलिस को बताया है कि उसने ये जहर 22,000 में खरीदा था। सद्दाम हुसैन को कोई करता था इसके, कहीं कोई लैपटॉप पकड़ा गया उसमें कुछ, मेरे को उस वजह से पता लगा, मुझे क्या पता है इसमें ये क्या करे। और अब पुलिस ये जानना चाहती है कि थैलियम जैसा खतरनाक जहर वरुण को भारत में कैसे मिला। ये जो सब्सटेंस है उन्होंने जो बताया है, अभी उनके क्लेम्स हम वेरीफाई कर रहे हैं, इसमें अभी तफ्तीश आगे करके उसके बाद ही इसमें कुछ खुलासा किया जा सकता है। वरुण अरोड़ा के पास पैसे की कोई कमी नहीं, उसे सिर्फ किराए के तौर पर हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा मिलते थे। लेकिन अंधविश्वास की वजह से गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, उससे निकले साजिश के लावे ने वरुण के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, उसके ससुराल को खत्म कर दिया और वरुण ने अपने 2 मासूम बच्चों की जिंदगी भी अधर में डाल दी। प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़ के साथ पूजा मक्कर, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.